आज हम विजिट कर रहे हैं लाला मूसा का रेलवे जंक्शन। तो ये क्या है वैसे? पता मुझे भी कोई नहीं है और मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है वो बस ना एक दरवाजा ओपन है, वो भी वो सामने ना वॉशरूम है, ये कोई स्टोर है पुराना सा, इसका मैं दरवाजा खोलने तो लगाऊं। ताला लगा हुआ है। असलामुअलैकुम, क्या हाल है जी आप सबका? उम्मीद करता हूँ आप सब तो ठीक ठाक होंगे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाहर का मौसम तो सही बात है, लवली सा बना हुआ है, बहुत प्यारा मौसम बना हुआ है माशाल्लाह। टाइम अभी 3:18 हो रहे हैं, सुबह का वीडियो एडिट कर रहा था और अभी मैंने कहा चलो यार थोड़ी देर बाहर भी जाना चाहिए। ये तुम्हारी जब से गुजरी है यार मेरा तो दिल करता है कि मैं घूमता फिरता ही रहूं घर में, यार दिल ही नहीं लगता, दिल करता है कि बंदा ना घूमता फिरता ही रहे। और यार जब हम ईद के तीसरे दिन गए थे ना उधर जेलम में, जाते हुए तो मैंने मोटरसाइकिल चलाया था और आते हुए भी मैंने ही चलाया था, उसकी वजह से भाई मेरी हो गई थी तबीयत खराब, बुखार भी हो गया था और सर दर्द भी, 2-3 दिन ऐसे ही था तो मैं घर से बाहर वाहर कोई नहीं निकला। आज थोड़ा बहुत सही हुआ है तो मैंने कहा चलो यार चलते हैं कहीं घूमने फिरने के लिए। ईसा जो है उसने 9 में एडमिशन लिया है तो इसने यार आज ना उधर से लगा से बुक्स वगैरह भी लानी है, ये जा रहा है भाई बुक्स अपनी लेने के लिए। जब नाना उमरा करके आए थे ना उस टाइम में ये मेरा बैग आया था, मैं इतना इसे इस्तेमाल नहीं करता था, जहाँ पे भी जाता था ना मैं साथ नहीं लेकर जाता था। ईद के दिन हम साथ लेकर गए थे तो मेरी सारी चीज़ें जो थी ना वो हमने इसमें रखी थी, तो उस दिन से ना मेरा दिल करता है कि मैं जहाँ पे भी जाऊँ ना इस बैग को साथ लेकर जाऊँ। हाँ तो यार अभी ना हम आ चुके हैं इधर दुकान पे आ चुके हैं, ये सामने ही है दुकान, सारी बुक्स सही। इसको मैंने कहा भाई साइंस रख लो यार, ये वैसे ही वेला सा ना कोई काम नहीं करता, पढ़ाई भी ना सही से नहीं करता। आर्ट्स ना रखो साइंस रख लो, क्योंकि मैंने पहले आर्ट्स रखी हुई थी, मैंने इसलिए रखी थी क्योंकि ब्लॉगिंग टाइम नहीं मिलता तो इसलिए आर्ट्स मैंने रखी थी, अभी इसने भी भाई आर्ट्स ही रख ली है। वो कहाँ से मिलेंगे साइंस तैयारी या फिक्स होती है और कौन कौन सी है इसे क्या बताए। चलो ये जो होगी है ना इनका बिल बना दे, बाकी जो है वो हम कहीं और से ले लेते हैं। 2-3 बुक्स रह गई हैं तो इसने भाई कहते रहना है कि आज मैंने छुट्टी करनी है, आज मैंने जाना शहर बुक्स लेके आनी है ये वाली, तो आज मेरा दिल है कि आज हम आए हुए हैं तो इसका ना मतलब कि सारे काम खत्म कर देते हैं एक बार में। आप पे मैं ब्लॉग बनाना था मैं उनमें अच्छा जी उनसे लिया जी भाई। अच्छा आपके हो गए जी 5 बुक्स के 4 × 5 = 20 भाई 1140 काफियां भी चाहिए इसे 120 की ये 120 की 60 की 7 भाई कहते हैं कि मैं भी व्लॉग बनाता हूं पता नहीं बनाता हूं तो मैं भी यही कह रहा हूं बनाता हूं क्योंकि सब्सक्राइबर मेरे से कम है। आप भी कितने हैं मेरे 10,000 नहीं यार 20,000 इतने भी नहीं है कम ही है 1200 से ना 1200 शायद रात को मैंने देखा था 1213 या फिर 14 थे अभी 20 हो गए होने हैं इतना मुझे पता है। पैसे दे के करवाते हो तो पैसे नहीं यार पैसे कहाँ देने 4 साल मुझे हो गए। हाँ नेचुरल है नेचुरल है मैं करवा सकता था भाई कहते हैं कि करवा लो लेकिन मैंने नहीं की। आपने कब से स्टार्ट किया है? मुझे 2 साल हो गए 2 साल हो गया मुझे अपना बता मैं आपके देख मेरा मैक्स साकिब 360 है मैक्स साकिब मैक्स साकिब 360 मैक्स हाँ यही है एजुकेशन और इस्लामियत तैयारी बस तो दो रह गई आपको पता हाँ मैंने भी रखी थी आर्ट्स मैंने रखी एजुकेशन हाँ यही है पेंसिलें वगैरह तो नहीं लेनी हाँ ये सही है तो भाई ले लिए वो बांझी है उसके लिए लेना था तो वो स्कूल जाती है तो उसके लिए कहा था उन्होंने कि आप जा रहे हो टिफिन ज़रूर लेकर आना। अभी यार हम आए इधर ये रेलवे स्टेशन है सामने से रेलगाड़ी आ रही है दिखाती हैं आपको ये हाली इंजन रिवर्स बगार है। आज हम विजिट कर रहे हैं लाला मूसा का रेलवे जंक्शन ये मैंने कहा चलो आज मैं आपको लाला मूसा का रेलवे जंक्शन ही विजिट करा दूँ। ये क्या है वैसे? पता मुझे भी कोई नहीं है और मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा भी हो सकता है यार मुझे ना इसकी समझ नहीं आ रही ये है क्या ये मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। चलते हैं यार सामने फ्रंट पे इसकी थोड़ी बहुत ना डिटेल लिखी हुई है इधर पहले तो ये वॉशरूम है और ये ट्रेन एग्जामर कोर्स ऑफ आर्ट्स लाला मूसा ये कोई स्टोर है पुराना सा इसका मैं दरवाजा खोलने तो लगाऊं
ओए ताला लगा हुआ है ताला लगा हुआ है। इधर से लोग गुजर तो रहे हैं, क्या पता कहे कि चोरी कर रहे हैं आ गए यहाँ पे। गाइड सारा किया हुआ है इन्हें, पता नहीं ये क्या है, ये सारा उन्होंने गाइड किया हुआ है। एयर प्रेशर को चलाने की हिफाजती तदाबीर पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। वो बस ना एक दरवाजा ओपन है, वो भी वो सामने ना वॉशरूम है। तो यार ये इधर लिखा हुआ है मशीन चलाने से पहले तस्दीक करे कि कोई वर्कर ना कोई वर्कर या चीज टूल यूनिट के अंदर ना रह जाए, तब यूनिट के दरवाजे बंद करे और बात नोट करे जब मशीन को चलाना हो तो उसके लिए तजुर्बाकार वर्कर का होना जरूरी है। ये वर्कर्स के लिए है, जो मतलब के न्यू वर्कर्स आते हैं ना तो उनके लिए ये लिखा हुआ है। खैर अभी तो ये बंद हो गया है। ब्रेकर एडजस्ट करने का तरीका, ये ट्रेन की ना मतलब के हर डिटेल लिखी हुई है इधर। साधु यार ऐसे पढ़ते शाम हो जानी है। छोटा सा ना इन्हें गार्डन बनाया हुआ है, उसकी वजह से ना ये दरवाजा लगाया है। ये सामने ट्रेन खड़ी है और यहाँ से भाई ट्रेन पता नहीं कहाँ कहाँ पे जाती है, हमने एक बार भी नहीं ट्रेन पे सफर किया। खैर मेरा भी प्लान बन रहा है कि एक दफा ना ट्रेन पे सफर होना जरूरी है, हम इधर गुजरात ही ना जाए, जाना जरूर है हमने एक ना एक दफा। ऑफिस ऑफ ट्रेन एग्जामिनर लाला मूसा। यार कभी कभी ना ये जो बैग है ना ये मैं कभी कभी पहनना भूल जाता हूँ। इधर हम टिकटॉक की वीडियो बनाने के लिए आए हैं, हमने कहा चलो यार एकदम से ही ना हम ट्रैवल बंद कर दें, थोड़ा बहुत ट्रैवल होना चाहिए। याद है हमने एक यहाँ पे वीडियो बनाई थी टिकटॉक के लिए, टिकटॉक की वीडियो बनाई थी ना हमने यहाँ पे आके, उस टाइम हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल था तो हमने वीडियो बनाई थी यहाँ पे। तो उस टाइम ना मेरे पास आईफोन सेवन था तो उस पर मैंने वीडियो बनाई थी यहाँ पे आके। तो वो ना मतलब के थी डायलॉग थे मूवीज़ के, वो हमने रिकॉर्ड किए थे यहाँ पे आके। उस टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी थी, लेकिन अभी आईफोन 13 आ गया तो उसके हिसाब से तो कम ही लगनी है ना फिर। ओए वीडियो बनाता हूँ तुम्हारी और इसके ऊपर वॉक करो, अच्छी बनेगी। इधर हमने एक दो टिकटॉक की वीडियो बनानी थी, हमने बना ली है वो, और अभी चलते हैं वहाँ पर जहाँ से हमने इसकी किताबें ली थी ईसा की, वहाँ पर चलते हैं और इसकी किताबें शाबें लेते हैं। और फिर स्नोकर का कह रहा है, मेरा तो दिल कोई नहीं कर रहा इतना खास, ये लिख दिया मैंने। तो मेरा ना थोड़ा सा मूड भी थोड़ा ख़राब हुआ हुआ था, घर में वीडियो एडिट करते करते ना मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है एकदम से। तो मैंने कहा चलो यार ईसा लालमोसा जा रहे थे, मैं भी इसके साथ चलता हूँ, अगर बंदा घूमे फिरे ना फिर मूड बंदे का बिल्कुल सही हो जाता है। फाइनली आ चुके हैं घर और ईसा की किताबें शिताबें ले आए सारा कुछ। अभी हम जब निकल रहे थे ना उधर वो प्लाजा से हम निकल रहे थे, सामने एक बोर्ड लगा हुआ था महाना ना आप यूट्यूब से कमाए 1,00,000 रुपया। और मैंने कहा चलो यार ईसा ऑफिस विजिट करते हैं कि क्या सीन है इसका, मतलब के कैसे 1,00,000 मतलब के बंदा कमा सकता है यूट्यूब से। ईसा कहता है चलो यार फिर कभी ना आके चेक करना क्या मतलब के सीन है, कोई वीडियो एडिटिंग करना सिखाते हैं या फिर कोई इसकी SEO सेटिंग वगैरह सिखाते हैं, देखते हैं यार विजिट करेंगे। पीछे वाली प्लेट भी कोई नहीं है और इसके सेल भी खराब है और ये चलती भी नहीं है, बाकी चीज़ तो बढ़िया है। मैंने यहाँ पे LCD लगवाई है। सही बात है, जब से LCD लगाई है मैंने एक बार भी नहीं लगाई, जब भी लगाने की कोशिश करता हूँ ना सही बात है नेट ही बंद होता है, जिसकी वजह से LCD लगाने का दिल ही नहीं करता। तो मैंने 2-3 दफा लगाई थी LCD लेकिन यार मेरा दिल ही नहीं किया LCD लगाने का। खैर यार ये थी आज की हमारी वीडियो, कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर देना, इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुलाकात होगी एक और न्यू नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।